फर्स्ट कैरेक्टर रिस्पायरेशन। आज हम लोग नंबर टू मेटाबॉलिज्म इसको उपापचय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उपापचय, मेटाबॉलिज्म उपापचय। मेटाबॉलिज्म वैसी प्रक्रियाएं हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में होते हैं। किसमें? प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। पौधों एवं जंतुओं दोनों में यह प्रक्रियाएं देखी जाती है। तो मेटाबॉलिज्म है क्या? मेटाबॉलिज्म है क्या? द टोटल बायोकेमिकल रिएक्शन द टोटल बायोकेमिकल रिएक्शन विथ अकर्स इनसाइड द It is called metabolism. The total biochemical reaction which occurs inside the cell, it is called metabolism. दोस्तों, आज हम लोग लिविंग बींग्स के सेकेंड कैरेक्टर्स को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मैंने लिखा है मेटाबॉलिज्म। विभिन्न प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, चाहे वह केमिकल रिएक्शंस हो, चाहे वह फिजिकल हो, चाहे वह बायोलॉजिकल हो, चाहे वह बायोकेमिकल हो। तो मेटाबॉलिज्म जो है यह पूर्ण रूप से बायोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि इसका उपयोग हम लोग सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स में करते हैं, पौधों एवं जंतुओं में करते हैं, तो इसलिए यह पूर्ण रूप से बायोकेमिकल रिएक्शन। तो इसलिए लिखे हैं द टोटल बायोकेमिकल रिएक्शन, द टोटल बायोकेमिकल रिएक्शन विच अकर्स इनसाइड द सेल, इट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। वैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं, जो कोशिका के अंदर संपन्न हो, होता है उपापचय कहलाता है। क्या कहलाता है? उपापचय कहलाता है। तो यह प्रक्रिया जो प्लांट्स में चलते हैं दोस्तों, यह प्रक्रिया जो प्लांट्स में होता है या जंतुओं में होता है, तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को दो प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। नंबर वन इज एनाबॉलिक एंड नंबर टू इज कैटाबॉलिक। नंबर वन इज
बॉलेज अपचे तो यह प्रक्रियाएं एनाबॉलिक उपचयन और कैटाबॉलिक अपचयन तो यह जो प्रक्रियाएं हैं दोस्तों एनाबॉलिक उपचयन कैटाबॉलिक अपचयन ये दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग रूपों से प्लांट्स और एनिमल्स में संचालित है। एनाबॉलिक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस और कैटाबॉलिक जो है synthesis photosynthesis
दोस्तों? एनाबॉलिक प्रोसेस। इसमें ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे जो होते हैं जिसको ग्रीन प्लांट्स कहते हैं, बहुत बच्चे प्लांट्स बोलते हैं, नहीं, ओनली ग्रीन प्लांट्स। सभी प्लांट्स प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। ओनली ग्रीन प्लांट्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओनली ग्रीन प्लांट्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब सिर्फ हरे पौधे ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेते। तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, हरे पौधे जो होते हैं, वह अपना भोजन कंस्ट्रक्टिव रूप में कैसे तैयार करें? तो उनको भी अपने भोजन को तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल्स की क्या होती है, जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? रॉ मटेरियल्स की क्या होती है? जरूरत होती है। और रॉ मटेरियल्स के रूप में क्या क्या होते हैं उनके पास? तो CO2 होते हैं जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, H2O होते हैं जिसको जल कहते हैं, सनलाइट होते हैं जिसको सूर्य प्रकाश कहते हैं, एंड एग्जांपल जो भी है। तो ये सब उसके पास रॉ मटेरियल्स होते हैं, और रॉ मटेरियल्स के रहने के दौरान इन प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, किसके उपस्थिति में दोस्तों? पर्ण हरित वर्णक के उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में? पर्ण हरित वर्णक के उपस्थिति में यह अपना भोजन क्या करते हैं? तैयार करते। क्या करते हैं? तैयार। तो अब हम अपने डिफाइंस इसको करेंगे, और आप इसको अच्छे से, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल्स को देखते होंगे, द कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी भारद्वाज सर के नाम से, तो हमारे YouTube चैनल्स पे आपको सभी वीडियो सिलेबस के अनुसार दिए हुए रहते हैं, और आप उसे सब्सक्राइब करके आप उसके द्वारा अभी COVID-19 के कारण आप उसे अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कुछ इंफॉर्मेशन कुछ दिन पहले दिया था कि अक्टूबर से अपने सेंटर्स पे क्लास को प्रारंभ करने जा रहे हैं, बैच टाइम भी दिया था, लेकिन कुछ सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार सभी असंभव नहीं हो पा रहा है। तो अभी आप YouTube पर पढ़ाई करेंगे, जो हमसे हो सकेगा हम हर संभव आपके लिए है, हर संभव आपके लिए प्रयास करूंगा कि आप कितना से कितना हमसे ले सके। तो क्या बता रहे थे दोस्तों? फोटोसिंथेसिस। क्या बता रहे थे? फोटोसिंथेसिस। दो एना दो एनाबॉलिक प्रोसेस, दो एनाबॉलिक प्रोसेस इन विच, दो एनाबॉलिक प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक दिया CO2
फोटोसिंथेसिस। नंबर थ्री कैरेक्टर्स हम आपको बताने जाएंगे, वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन 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 इसको जनन कहते हैं। डेथ फेनोमेना आर ऑल्सो हैपेंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। Reproduction. All living beings that reproduce of their own kind, it is called reproduction. मतलब जब भी जन्म की प्रक्रियाएं होंगे तो
इसमें होगी सजीवों में। तो सजीवों के द्वारा अपने जैसा अगर पौधा है तो पौधों को जन्म देगा, जंतु है तो जंतुओं को जन्म देगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो वह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करेंगे, बढ़। तो ऑल लिविंग बींग्स सजीवों के द्वारा अपने जैसा संतति कहते हैं संतान, इसको कहते हैं संतान को का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। और रिप्रोडक्शंस जब आप क्लास 12 में पढ़िएगा, अभी तो आप क्लास 11 में हैं, अभी तो सिर्फ कैरेक्टर में आपको रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स बताएंगे, लेकिन जब आप क्लास 12 में जाइएगा दोस्तों तो रिप्रोडक्शन के कई उद्देश्य हल्का हम बता रहे हैं आपको कि रिप्रोडक्शन जो है वह कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज, कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज मतलब जातियों की निरंतरता को क्या करता है, बरकरार। इट मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज, क्या करता है, जातियों की निरंतरता को क्या करता है, बढ़ावा देता है। मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, नंबर टू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब पीढ़ी एक अंतरण में, पीढ़ी एक अंतरण में सहायक, या मैं आपको रिप्रोडक्शन का उद्देश्य बताऊं। नंबर थ्री रिप्रोडक्शन पार्टिसिपेट्स इन द प्रोसेस ऑफ रिवॉल्यूशन, रिप्रोडक्शन पार्टिसिपेट्स इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन जो है वह क्रम विकास में भी क्या होते हैं, सहायक, क्रम विकास में भी या उन विकास में भी क्या होते हैं, सहायक। तो ये सभी रिप्रोडक्शन के क्या हैं, फीचर्स, क्या हैं फीचर्स। अब हम यह जानेंगे दोस्तों, अभी तो हम यह जाने कि रिप्रोडक्शन क्या है दोस्तों, रिप्रोडक्शन ऑल लिविंग बींग्स दैट रिप्रोड्यूस ऑफ देयर ओन काइंड, इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, नहीं सजीवों के द्वारा अपने जैसा संतति का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, जन्म कहलाता है। यह होते कितने प्रकार के हैं, तो इट इज ऑफ टू टाइप्स, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। नंबर वन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको अलैंगिक जनन कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। एंड नंबर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको लैंगिक जनन है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वन इज सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अनदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। Thank you.
जनकीय जिसमें सिर्फ एक जनक क्या हो भाग लेते, कितने जनक भाग लेते हो एक जनक। अब आपके जहन में यह सवाल आ रहा है सर क्या होता है जनक, जनक कहते हैं दोस्तों माता और पिता यानी कि मेल और फीमेल, किसको कहते हैं मेल और फीमेल। तो या तो मेल आयर मेल और फीमेल, या तो नर भाग लेंगे या तो मादा भाग लेंगे, दोनों पेरेंट्स कभी भी भाग नहीं ले सकते, दोनों सेक्स कभी भी भाग नहीं ले सकते, अंडरस्टैंड। तो इसीलिए इसको एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव बॉडीज को यूनिपैरेंटल ऑर्गेनिज्म्स कहते हैं, जो अलैंगिक जनन के द्वारा जीवों को जन्म देते हैं उसको यूनिपैरेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं यूनिपैरेंटल कहते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल अमीबा, फॉर एग्जांपल पैरामीशिया, फॉर एग्जांपल यूग्लिना, हाइड्रा, एस, ये विभिन्न प्रकार के जो जीवधारी हैं ये सभी एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव बॉडी हैं, मतलब ये सभी अलैंगिक जनन के द्वारा जीवों को क्या करते हैं जन्म देते हैं, इसलिए इसे यूनिपैरेंटल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। कौन सा ऑर्गेनिजम्स कहते हैं यूनिपैरेंटल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब आपके ध्यान में आ रहा होगा कि इससे कौन कौन से जीव जन्म देते हैं, इसका एग्जाम्पल्स क्या है। तो इसका एग्जाम्पल्स है बैक्टीरिया जिसको जीवाणु कहते हैं, इसका एग्जाम्पल है ईस्ट, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, इसका एग्जाम्पल है अमीबा, इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। ये सभी यूनिपैरेंटल्स, ये सभी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बॉडी है, अलैंगिक जनन के द्वारा यह जीवों को क्या करते हैं जन्म देते, क्या करते हैं जन्म देते। और इसी में जो जीव को जो यह जन्म देता है जिसको क्लोन कहते हैं ऑर्गेनिजम्स विच आर जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सेम इट इज कॉल्ड क्लोन। तो इस प्रकार के जीवधारी जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बॉडी होते हैं वह क्लोन के फॉर्मेशंस में क्या होते हैं भाग लेते हैं, इसके फॉर्मेशंस में क्लोन के निर्माण में क्या होते हैं भाग लेते हैं। क्लोन क्या है, क्लोन को हिंदी में पुंजक, क्या कहते हैं पुंजक ऑर्गेनिजम्स विच आर जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सेम इट इज कॉल्ड क्लोन, ऑर्गेनिजम्स विच आर जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सेम इट इज कॉल्ड क्लोन। वैसे जीवधारी जो अनुवांशिकी व आकार की रूप से क्या हो समान हो पुंजक कहलाता है। तो पुंजक का निर्माण क्लोन का निर्माण से बल्कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी नहीं होगा, जब भी होगा तो इसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन का निर्माण होगा, किसमें होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन का निर्माण। अब हम आपको बताने जा रहे हैं सेक्सुअल, अब हम आपको क्या बताने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या बताने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नंबर टू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे वह यूनिपैरेंटल था वैसे यह बाय पैरेंटल क्या होंगे बाय दुई जन, मतलब जो लैंगिक जनन करने वाले जीवधारी होंगे उसमें दोनों जनक क्या होते हैं भाग लेते हैं, क्या होते हैं भाग लेते हैं ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। वैसे जीवधारी जिसमें दोनों जनक मेल भी और फीमेल भी भाग लेते हैं सम्मिलित होते हैं वैसे जनन को कौन जनन कहते हैं लैंगिक जनन कहते हैं। और इस प्रकार के जीवधारी
जेमेटिक जेमेटिक फ्यूजन, जेमेटिक फ्यूजन मतलब युग्मक संलयन को क्या करता है, दर्शाता है। जो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं वह जेमेटिक फ्यूजन मतलब युग्मक संलयन को क्या करता है, दर्शाता है। अब आपके जहन में यह आ रहा होगा कि सर इसके क्या है, तो इसके एग्जांपल्स हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। मेजर इसके एग्जांपल्स क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसको हम शॉर्ट में एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स भी कहते हैं या एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एंजियोस्पर्म्स। इसके एग्जांपल्स क्या है, फ्लावरिंग प्लांट जिसको एंजियोस्पर्म्स और ह्यूमन मानव और क्या है मानव। तो ये सभी चाहे वह फ्लावरिंग प्लांट हो चाहे वह मानव हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या है उदाहरण है और या लैंगिक जनन की प्रक्रिया में क्या होते हैं भाग लेते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं आप हमारे पाथर कैरेक्टर ऑफ लिविंग बींग्स के नाम से। अगर वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे जी कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी बाय भारद्वाज के नाम से तो ये वीडियो आपको आसान से आसान रूपों में समझ में आ जाएगा। थैंक यू।